हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। तो आज फाइनली करवा चौथ है। तो मैं सुबह से तो इतनी बिजी थी कि ब्लॉग भी बनाने के मेरे पास टाइम नहीं, मतलब वो टाइम ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। और पहले का ब्लॉग था तो कल वही सब ब्लॉग गया, तो कल भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और आज ही फाइनली करवा चौथ है। तो जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, जितने भी माता बहनें या जितने भी मतलब फ्रेंड जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, उन सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपके हस्बैंड की मतलब आयु इतनी लंबी हो ना कि कभी कम ना हो। मैं मतलब ऐसे ही आशा करती हूँ सबका। और मैं कल लगाई थी मेहंदी, तो मेहंदी का कलर देखिए कितना सुंदर आया। ऐसे मेहंदी मेरा तो काला ही होता है, लेकिन बहुत सुंदर कलर आया है। इस वाले हाथ में मैं परसों लगाई थी रात में, तो इसका कलर देखिए। और इस वाले हाथ में मैं रात में लगाई थी, तो ये अभी उतना रचा नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे ये भी मतलब रात तक तो काला ही हो जाएगा। तो दोनों हाथ में, और दोनों हाथ में मैं खुद से ही लगाई थी। इस वाले में मैं लगा ली, उसके बाद ये वाला सू मतलब वो हो गया। उसके बाद मैं इस वाले में भी दोनों हाथ में अपने से लगा ली। बोलते हैं ना कितने आदमी के अपने से मेहंदी नहीं लगता है, लेकिन मैं दोनों हाथ में लगा लेती हूँ। पता नहीं कैसे मैं मतलब मुझसे हो जाता है। और पता नहीं खांसी देखिए ना, मतलब उसी टाइम से खांसी स्टार्ट हो गया मेरा। और अभी शाम में होगा तो फिर नहाना ही पड़ेगा, देखूंगी। मन होगा तो ऐसे गोढ़ा धो के कपड़ा भी चेंज करते मतलब कर सकती हूँ। ऐसे बाथरूम तो नहीं गई हूँ, तो देखेंगे शाम को मैं क्या करते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है? मेरा तो तैयारी ठीक ही ठीक चल रहा है। तो अभी मैं चल रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम पहले निपटाते हैं, उसके बाद रह जाएगा पूजा का सामान सहारने का काम। तो उसका मतलब काम करेंगे। खांसी आराम को इतना खांसी हुआ ना, मेरे सिर दर्द करने लगता है, पता नहीं क्यों। और आज तो फेस में कुछ भी नहीं की, क्योंकि उस सुबह में मैं सिर्फ नहाई, उसके बाद पूजा की। तो ऐसे टीका और पूरा मांग भर के तो सेंदूर में करती हूँ, तो मांग भर के सेंदूर आज यही सब की। तो फुल रेडी शाम में होंगे, तब देखते हैं कैसे लगते हैं। तो शाम का मतलब ब्लॉग शाम तक तो से ज़रूर शूट करूंगी, तो देखिएगा। अगर ज़्यादा लंबा ब्लॉग होगा तो दो मतलब दो क्लिप जाएगा, मतलब दो पार्ट में जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। मैं चलती हूँ किचन में, थोड़ा सा खीर उर रखती हूँ बनने के लिए। तो मतलब दोपहर का 3 बजने जा रहा है, 3 तो नहीं बजा लेकिन बजने जा रहा है। बने रहिएगा ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद ही। हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं उस टाइम मिलने के बाद अभी मिल रही हूँ, और फाइनली मैं किचन का काम कर रही हूँ। तो किचन के काम में अभी मेरा मतलब खीर बना दी हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे खीर मेरा बन गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं रख दी हूँ छोला बनने के लिए, क्योंकि मतलब खीर और सोची कि छोला बना देती हूँ उसके बाद का जो सोची ना कि खीर बना देती हूँ, क्योंकि खीर तो ठंडा ही अच्छा लगता है, सब ठंडा ही खाते हैं, और प्रसाद में भी चढ़ाना पड़ता है, तो खीर का ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। और छोला भी बना दी, और उसके बाद मैं अभी क्या करती हूँ, आटा जो मेरे पास रखा है, मैदा, उसको चाल देती हूँ। आज इन लोगों का छोला भटूरा खाने का मन है, तो मैं सोची कि चलो कोई नहीं, मतलब पूरी तरकारी तो हमेशा ही बनता है, तो आज छोला भटूरा ही बना देते हैं, इन लोगों का डिमांड है। और मैदा भी रखा है, कार्तिक चढ़ गया है, लास्ट आज ही कुछ छन जाएगा, उसके बाद से कुछ छानने का मतलब नहीं रहता है। तो सोची कि चलो बना देते हैं, रखे रखे मैदा भी ख़राब हो जाएगा। तो फाइनली ये मतलब ये वाला काम मेरा अभी कर तो डन हो गया है। अब मैं आटा मतलब जो मैदा है उसको चालती हूँ, देखती हूँ कीरा उरा है कि नहीं, बहुत दिन से रखा है वो। एक बार बीच में छोला भटूरा ही बना था, उसी के लिए मैदा आया था, तो वही मैदा रखा है। और उसके बाद जो आगे का काम होगा वो देखेंगे। उसके बाद घर में झाड़ू लगाना है, पूजा का बर्तन धोना है, फिर उसके बाद पूजा का जितना भी मतलब सामान है सब रेडी करना है। तब उसके बाद मैं रेडी होंगी, तब उसके बाद पूजा करेंगे, तब उसके बाद रात में चांद निकलेगा, तो चांद का पूजा होगा। तो उसके बाद चांद निकलेगा, तो चांद का पूजा होगा, उसके बाद हम लोगों का पेट का पूजा होगा। तो धीरे धीरे तो एनर्जी मतलब जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो
कोई नहीं काम करेंगे, इंगेज थोड़ा रहेंगे, काम में बिजी हो जाएंगे तो उतना मालूम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे बैठने पर थोड़ा फील हो रहा है कि मतलब प्यास लग रहा है जैसे, लेकिन अभी वैसा नहीं, वो फील नहीं करना है, तो इसलिए मैं फटाफट काम निपटाती हूँ उसके बाद, और तब उसके बाद हम लोग तैयार भी होंगे। उसमें भी 1 घंटा, तैयार होने में भी 1 घंटा लग जाएगा, अभी पूजा का सामान तैयार में भी आधा घंटा 1 घंटा, वो इसमें भी लग जाता है, और घर में झाड़ू उड़ू लगाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलेगा, कहाँ टाइम गया मालूम ही नहीं चलेगा। तो चलिए मैं चालती हूँ मैदा जो रखी हूँ वो, और उसके बाद में फिर आप लोगों को ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एवरीवन, तो फाइनली मैं तैयार हो गई, तो देखिए मैं आज कैसी लग रही हूँ। करवा चौथ का मेरा फाइनली फुल मेकअप हो गया है, तो मैं मेकअप का वीडियो नहीं शूट की क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, कभी होता है ना कि किसी कुछ झटपट में देखना रहता है तो इतना लंबा वीडियो हो जाता है कि मैं इसलिए मैं शूट नहीं की, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं ऐसे कुछ तैयार हुई हूँ, ये चुंदरी वाला साड़ी मेरा पुराना ही साड़ी था और पहन ली, और मेकअप कुछ ऐसा हुआ है, और आँखों पर तो जितना मतलब हो सकेगा मुझसे उतना मैं मेकअप की हूँ, ज़्यादा में ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, कम भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक मेकअप हुआ है। तो बताइएगा आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए आगे का पूजा स्टार्ट करते हैं। पूजा का मैं रिकॉर्ड तो नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो में मेरे बहुत सारे मतलब पिछले साल का करवा चौथ का है पूजा में रिकॉर्ड, तो इस साल मैं नहीं करूँगी, लेकिन जितना होगा मुझसे उतना मैं ज़रूर आप लोगों को दिखा दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड, तो देखिए फाइनली मेरा पूजा हो गया कंप्लीट, और मैं पूजा कर ली, और टाइम हो रहा है 7:30 बजने जा रहा है, तो फाइनली मैं 7:20 मतलब ऐसे ही हुआ था, 7:15 हुआ था, तो मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था, और पूजा उजा तब हो गया। अब तो चलते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा पूड़ी छान देते, वो लोग खा लेंगे, उनको भूख लगा है, और करवा माता का तो पूजा हो गया, अब चांद निकलेंगे तो चांद महाराज का पूजा होगा, तो चांद निकलने में तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो 7:30 भी नहीं हुआ है। तो फाइनली मेरा ये लुक और आज का पूजा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को।